नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद। स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर मिली युवती की लाश की पहचान हो गई है। दरअसल पिता ही है अपनी बेटी का हत्यारा। दिल्ली में किया बेटी का कत्ल, फिर मथुरा में फेंकी लाश। ऐसे खुला लाल ट्रॉली बैग में पैक मिली डेड बॉडी का राज। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लाल रंग के ट्रॉली बैग में मिली लाश दिल्ली के आयुषी यादव का निकला। मृतिका की मां और भाई ने शव की पहचान की। वहीं पुलिस के मुताबिक आयुषी का मर्डर ऑनर किलिंग का मामला है। पिता ने ही बेटी को गोली मारी थी और फिर लाश को सूटकेस में रख कर मथुरा के राया इलाके में फेंक आया था। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मामले में एसपी सिटी एमपी सिंह का कहना है कि युवती 17 नवंबर को सुबह घर से निकली थी, फिर दूसरे दिन यानी 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर एक ट्रॉली बैग में उसका खून से लथपथ शव मिला था। युवती के सिर, हाथ और पैरों में चोट के निशान थे और छाती में गोली मारी गई थी। मथुरा पुलिस ने लाश की पहचान के लिए 8 टीमें लगाई थी। पुलिस की टीमें युवती की पहचान के लिए गुरुग्राम, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, नोएडा और दिल्ली तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक लगातार जारी छानबीन में लवारिस लाश की पहचान नितेश यादव की बेटी आयुषी यादव के तौर पर हुई। इसके बाद पुलिस की टीम युवती के घर पहुंची, जहां उसकी माँ और भाई मिले, जबकि पिता गायब था। इसके बाद दोनों को पोस्टमार्टम गृह लाकर शव की पहचान कराई गई। मां ने शव अपनी बेटी आयुषी का ही बताया और कुछ आगे बताने से इनकार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि घर वालों ने इस मामले में बेटी की गुमशुदगी भी दर्ज नहीं कराई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस को शुरुआत में ही इनपुट मिल गया था कि पिता ही बेटी की हत्या का आरोपी है। फिलहाल आरोपी पिता पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार और लाश को ले जाने में प्रयोग की गई कार को बरामद कर लिया गया है। युवती की पहचान के लिए सर्विलांस की टीम ने करीब 20,000 मोबाइल फोन ट्रेस किए। इन मोबाइलों की लोकेशन भी सर्विलांस की टीम ने खंगाली। जेवर, जाबरा टोल, खंदौली टोल के अलावा हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा आने वाले मार्गों पर लगे 210 सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, जिसके बाद पुलिस को मृतिका की पहचान कराने में सफलता मिल सकी। साथ ही युवती की पहचान के लिए पुलिस ने दिल्ली NCR, अलीगढ़ और हाथरस में जगह जगह मृतिका के पोस्टर भी लगवाए थे। इसके अलावा अलीगढ़, हाथरस और कानपुर से भी लापता बेटियों के लिए परिजन थाना राया पहुंचे थे। कार्यवाहक SP MP सिंह ने बताया कि माँ और भाई ने पोस्टमार्टम गृह पर पहुंचकर आयुषी के शव की पुष्टि की है। अठारह नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर लाल रंग के ट्रॉली बैग में खून से लथपथ लड़की का शव मिला था। उसकी गोली मारकर हत्या करने के बाद ट्रॉली बैग में पैक करके शव को फेंका गया था। कहा जा रहा है कि पिता ही है अपनी बेटी का असली कातिल। आखिर क्या थी वजह जिसने एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया? क्या इतना बड़ा भी कोई गुनाह होता है जिसमें माफी की गुंजाइश ना हो और धरती पर अपने बच्चों को लाने वाला एक पिता ही अपनी बेटी का कत्ल कर दे? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।